ओ भाई भाई भाई, अगर मैं कहूं कि वन पीस का बेस्ट चैप्टर आ चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा, बट चैप्टर 1045 बिल्कुल भी बेस्ट चैप्टर नहीं था। वेट, तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं बेइज्जती करने वाला है इस चैप्टर का? वीडियो पूरा देखो फिर। और हाँ, मेरे को याद आया, अक्लमंद लोग भाई, हाँ अगर तुमको मुझसे बात ही करना है ना तो इंस्टा डिस्कॉर्ड में मैसेज करो भाई। ये मेरी बड़ी बहन के लीग नंबर पे मैसेज करके मेरा नंबर निकाल के तुमको क्या ही मिल जाएगा भाई? इतना मेहनत काहे करना? नंबर मिल भी गया तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारी इज्जत करने वाला है, फिर तुमको अवार्ड देने वाला है। नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, तुमको मैं खुद ही समझेगा उसके बाद। तो थोड़ा इस प्राइवेसी इन्वेड करने वाले हरकत को अवॉइड करो, क्योंकि मैं तुमको लास्ट में कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं देने वाला है, ठीक है, मेरा नंबर जुगाड़ देने के लिए बस। चलो इंट्रो देखो फिर वीडियो चालू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब मेरे को ये चैप्टर बेस्ट बिल्कुल नहीं लगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि अभी लास्ट के कुछ चैप्टर से ना नेक्स्ट चैप्टर बेस्ट होने वाला है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत दिमाग में आ रहा था, मतलब कि अगला चैप्टर तो भाई पिछले चैप्टर से बेटर ही होगा, ये माहौल बन रहा था। तो ये चैप्टर बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, बट आई डोंट नो वाई मुझे चैप्टर 1044 से बेटर लगा। येस, बिकॉज ऑफ हद लेवल कॉमेडी भाई। लूफी काइडो के पेट में जाके फुग्गा फुला के आंखों से बाहर आया है, लगाओ काइडो का रिएक्शन ऑन दैट सीन। एकदम ही होलसम चैप्टर था ये, बट अपार्ट फ्रॉम बींग फनी, चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला इंपॉर्टेंट चीज़, काइडो का कन्फ्यूजन टूवर्ड्स लूफीज फ्रूट, कि लूफी का अवेकनिंग पैरामीसर टाइप्स हुआ है बट फॉर्म जोआन जैसा है। इस पे मेरा एक थ्योरी आने वाला है, तो इसके बारे में इतना डिटेल में बात नहीं करना मेरे को, लेकिन ये सवाल खुद ओडा भी चाहता है कि हम पूछे कि काहे लूफी का ऐसा अतरंगी अवेकनिंग हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि लूफी कैसे काइडो के बोरोब्रेथ को डायरेक्टली खाने के बाद, मतलब उससे डायरेक्टली हिट होने के बाद भी अजीब सा काला सा हुआ, जला हुआ टाइप्स, वो क्या था? मतलब वॉज दैट एक्चुअली अ सिलुएट या फिर बस बर्न्ड लूफी था वो? आई वॉन्ट टू नो दैट। और लूफी को अपन ने इस चैप्टर में एकदम फास्ट रीजनरेशन करते हुए देखा है, कैसे, मतलब कैसे लूफी इतना फास्ट वे में रिकवर हो रहा है? क्या ये सन गॉड की पावर है? जैसे सन एक खुद का एनर्जी सोर्स होता है, वैसे ही लूफी भी खुद का ही सोर्स है एनर्जी का, और सन जैसे लूफी भी क्रेजी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और यूटिलाइज कर सकता है, क्या ऐसा कुछ सीन है? हो सकता है। एक पर्टिकुलर पैनल जो कि बहुत लोग शायद इग्नोर कर रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैनल है, जस्ट आफ्टर लूफी गेटिंग एग्जॉस्टेड, अपन ने काइडो को अपने आप अपने घुटने में गिरते हुए देखा है हफ्ते हफ्ते, विच टेल्स अस कि काइडो इज काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड, बट एट द सेम टाइम ही इज काइडो, तो वो अभी भी अच्छा खासा लड़ेगा ही। बट काइडो एक योंको को अपने से घुटने के बल गिरते हुए देखना, वो भी अपने प्राइम में, क्रेजी। और वाई इज लूफी लुकिंग लाइक किजारू भाई आफ्टर गेटिंग एग्जॉस्टेड? लमाओ भाई, किजारू बोला था काइडो को कि वानो जाऊं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक लूफी नहीं किजारू लड़ रहा था काइडो से? किजारू अराइव्ड एट वानो, यही रखेगा भाई मैं इस वीडियो का टाइटल। वैसे लूफी इतना जल्दी कैसे रिकवर हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। लेकिन एक चीज़, काइडो के बहुत लीथल अटैक से भी लूफी को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, मतलब उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है अवेकनिंग। यस, लूफी को काइडो जब भी मार रहा है वो अनइंटेंशनली या फिर इंटेंशनली पता नहीं, बट अपने आजू बाजू के चीज़ों को रबर बना दे रहा है, जिसकी वजह से काइडो के अटैक्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है लूफी पे। इसलिए हमने कुछ सीन्स में लूफी और काइडो के हिट्स खाने के बाद भी बाउंस बैक होते हुए देखा है, जस्ट लाइक जब कोई ट्रैम्पोलिन में कूदता है। एंड लूफी के चेहरे पे जो काइडो ने अपने कानाबों से मारा भाई, उसको लूफी इतना इजीली ले लिया भाई, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। इट हर्ट्स बोला, बट फिर भी भाई चिल था, ही वॉज जो वो चिल। प्लस कैसा अजीब सा शेप हो गया भाई लूफी के फेस का। इसको देख के मेरे को ज्यूस का याद आया, पता है जब वो क्लाइमेटेक्ट से फ्यूज होके उल्टी को हराया था ना, ऐसे ही चेहरा था काटा काटा वाला उसका भी। इतना भाई इतना खतरनाक काटा काटा चेहरा हुआ है लूफी का। कोई उसके मतलब भाई मान लो अभी लूफी एकदम ठरक मोड में आ गया तो वो आई एम हॉर्नी के बदले आई एम थॉर्नी बोलेगा। पीछे एंड देर इज अ बैड एस लाइन ऑफ काइडो इन दिस चैप्टर, देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन डिफीट मी।
क्या इसका मतलब ये है कि काइडो स्ट्रॉन्गेस्ट है इवन अमंग योंकोस, एंड एज वी ऑल नो योंकोस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एंटायर वन पीस वर्स अभी तक के हिसाब से. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि काइडो एक्चुअली में स्ट्रॉन्गेस्ट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस का अभी के टाइम पे? आंसर इज वी डोंट नो, क्योंकि अभी भी अपन ने बाकी के योंकोस का फुल पोटेंशियल नहीं देखा है, इंक्लूडिंग बिग मॉम. बट वन थिंग फॉर श्योर वो ये है कि काइडो इज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि उसको कोई नहीं हरा सकता. दिस इज़ अ बिग पंच ऑन शैंक टार्ट्स. जो लोग बोलते हैं कि भाई शैंक्स काइडो को हरा सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी भी योंको को एक्सेप्ट ब्लैक ब्लेड 1v1 में नहीं हराया जा सकता. अभी के शैंक्स काइडो बिग मॉम आर जस्ट लाइक पहले के रॉजर और वाइट ब्लेड, हरा नहीं पाएंगे लेकिन हारेंगे भी नहीं. वैसे दिस वॉज जस्ट माई ओपिनियन आफ्टर हियरिंग काइडोज लाइन. और अपने को एक चीज़ पता चल गया कि लूफी का ये फॉर्म गियर 5 एक्चुअली में वाइट कलर का है, ना कि सन जैसे येलो जो कि बहुत फैन आर्ट वाले कर रहे थे. दिस समहाउ रिमाइंड्स मी ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट. और मुझे ये फॉर्म ना एक्चुअली में अच्छा लग रहा है, पता है? मतलब 1044 में देखा था तो ठीक ठीक लग रहा था, बट इस चैप्टर में पता नहीं क्यों मुझे ये फॉर्म अच्छा लगा. एंड मैन The last punch on Kaido's face, satisfying. मतलब भाई जैसे वो क्या सिलेस्टियल ड्रैगन के मुंह पे लूफी ने मारा था ना, दे दिया था इसी पंच. डिट्टो भाई, एकदम मजा आ गया भाई. सेम पंच भाई. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, कैसे लूफी का हाथ काइडो के चेहरे के लिटरली आर पार चला गया और काइडो के चेहरे पे कुछ गड्ढा जैसा भी नहीं हुआ? मतलब फिर भी उसका कैसे चल गया पता नहीं. सेम चीज़ लूफी के काइडो के आंखों के थ्रू निकलने वाले सीन में भी हुआ. लूफी काइडो के आंखों से अपना हाथ निकाला लेकिन काइडो के आंखों को कुछ भी नहीं हुआ. क्या लूफी ने एक्चुअली फॉर अ मोमेंट काइडो के फेस को या फिर उसके आईज को रबर बना दिया था? मेरे को नहीं लगता, बट कुछ भी हो सकता है. एंड कुछ भी होने से याद आया दैट टॉम एंड जेरी इफेक्ट फिर से. इस बार तामा नामी लॉ किड सबके आंखें बाहर निकलती हुई दिखी है. अब पिछले चैप्टर वीडियो में मैंने बोल दिया था कि दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस, एंड अब ये तो कंफर्म भी हो गया है कि ये कुछ अलग ही सीन हो रहा है इधर. बाय द वे तुमने ध्यान दिया कि लूफी कॉन्करर साकी से इन्फ्यूज्ड है फिर भी उसके अटैक्स काइडो के स्किन को टच कर रहा है? कैसे? मतलब अभी तक तो कॉन्करर साकी के अटैक्स मतलब टच नहीं कर रहे थे, बट अब कर रहे हैं. अब कॉन्करर साकी खुद में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, मैंने बोला था ना कि 3 चैप्टर्स अभी लगातार आएंगे, अगले चैप्टर के बाद ब्रेक है. अबाउट द आर्ट स्टाइल ऑफ दिस चैप्टर, बहुत मस्त, एंड कॉमेडी एलिमेंट को मस्त यूज़ किया ओडा ने. मतलब भाई एकदम बढ़िया वे में यूज़ किया उस चीज़ को. मैं बहुत टाइम बाद किसी चैप्टर को रीड करके हंसा इतना. एंड ओडा ने फिर वही हरकत किया जो लास्ट 2 चैप्टर में किया था उन्होंने, मिस्ट्रीज सॉल्व करने के बदले और लोगों को कन्फ्यूज करना और मिस्ट्रीज पैदा करना. That sounded sus, but ठीक है. अगले चैप्टर में मेरे हिसाब से लूफी काइडो ही होगा और शायद नेक्स्ट चैप्टर के लास्ट में ओडा जोरो ग्रिम रिपर का कुछ अपडेट देके ब्रेक पे चल देगा और अपन को मस्त पागलों ने छोड़ देगा. ड्रम्स ऑफ लिबरेशन से लूफी के रिकवरी का क्या कनेक्शन है मुझे जानना है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है एंड मुझे लगता है वो है ही. लूफी का इन्फ्यूजन करने के बाद भी काइडो को टच करना, कोई अलग टाइप का कॉन्करर साकी इन्फ्यूजन कर रहा है क्या लूफी? आई वॉन्ट टू सी दैट टू. एक चीज़ मेरे को मस्त लगा जो कि ये लूफी का अभी भी गोमू गोमू नो करके अटैक करना. मतलब अब गोमू गोमू नो ही सुन के मजा आता है भाई. अचानक से ही तो नो करेगा ना तो अजीब लगेगा. आई वंडर कैसे लूफी खुद को लिटरली एक जाइंट बना दिया. मतलब इज़ दैट अ जॉय बॉय एंड ईमू रेफरेंस, द होल जाइंट स्ट्रॉ हैट थिंग, यू नो, हु नोस. थ्योरी वीडियो कमिंग सून, वेट करो उसका. एंड दैट्स इट, मुझे इतना ही बस बात करना था. ये चैप्टर फनी था, फनी बहुत ज़्यादा था. एंड ये चैप्टर में इवेंट्स हुए बट इतने बड़े नहीं हुए जिसके बारे में एकदम हद से ज़्यादा बात करूँ. तो इतना ही था एंड अब नेक्स्ट वीडियो सुनने मिलेगी. तो बाय बाय.